नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीत के साथ ओलंपिक में अपने सफर की शुरुआत की। भारतीय सटलर पीवी सिंधु ने अपने ओलंपिक अभियान का दमदार आगाज किया है। उन्होंने ग्रुप जे के अपने पहले मुकाबले में इसराइल की सेनिया पोलिकार्पोवा को धूल चटा दी और 21-7, 21-10 से हरा दिया। पीवी सिंधु ने इस जीत के साथ मेडल की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। इस तरह महिला सिंगल्स में भारत की इकलौती चुनौती सिंधु ने केवल 29 मिनट में जीत दर्ज की। अब सिंधु का अगला मुकाबला हांगकांग की च्यूंग एन गान यी से होने वाला है। आपको बता दें, पहले गेम में सिंधु अपनी इजराइल प्रतिद्वंद्वी पर पूरी तरह से हावी रहीं और उन्होंने लगातार 13 पॉइंट अपने नाम कर लिए। वहीं गेम के अंतराल तक सिंधु 11-5 से आगे बढ़ती रहीं। उनकी इस बढ़त को बनाते हुए उन्होंने केवल 13 मिनट में पहला गेम 21-7 से जीत लिया। उसके बाद दूसरे गेम में सिंधु ने दमदार पारी खेली और गेम इंटरवल तक 11-4 की बढ़त अपने नाम कर ली। इस बीच वर्ल्ड नंबर 58 पोलिकार्पोवा ने वापसी के लिए जोर लगा दिया, लेकिन वो सिंधु को मात नहीं दे पाए। अंत में पीवी सिंधु ने दूसरे गेम को भी केवल 16 मिनट में जीतकर भारत का परचम लहरा दिया। वर्ल्ड नंबर 7 सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक के लिए आसानी से क्वालिफाई किया, क्योंकि वो BWF रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल थी। आपको बता दें, इस बार भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु अपना दूसरा ओलंपिक खेल रही हैं और उनको महिला एकल में 6ठा स्थान मिला है। इसी के साथ उन्हें ग्रुप जे में रखा गया है। आपको बता दें कि इस ग्रुप में सिंधु के अलावा हांगकांग की च्यूंग एन गान यी और इजराइल की सेनिया पोलिकार्पोवा को भी जगह मिली है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।